तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में आफ्टर वन मंथ के बाद पबजी टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें इसमें आफ्टर वन मंथ के बाद क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। हमें इसमें गेमिंग के टाइम कोई लैग इशू, कोई हीटिंग इशू या कोई फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए मिलते हैं या नहीं। तो गाइस, एक्चुअली में मैंने इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की अनबॉक्सिंग एंड फुल पबजी रिव्यू पहले कर दिया है। उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर दे दिया है, आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस, अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें हमें मीडियाटेक का हीलियो G95 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। तो दूसरी तरफ अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूं तो इसमें हमें 5000mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, जिसके साथ हमें 33W की फास्ट चार्जिंग का स्पॉट देखने को मिल जाता है। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको इसमें ग्राफिक्स दिखा देता हूं कि हमें इसमें इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में बाय डिफॉल्ट क्या ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जहां जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे सीधा ग्राफिक्स में। तो यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि स्मूथ में हमें लो, मीडियम, हाई और अल्ट्रा तक की बाय डिफॉल्ट ऑप्शन देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि इसका मतलब साफ है कि स्मूथ में हमें 40fps देखने के लिए मिल जाएगा, हमें कोई भी इसमें स्मूथ में एक्सट्रीम यानी कि 60fps देखने के लिए नहीं मिलता। अभी हम इसमें एक कॉन्फ़िग फाइल से 60fps यानी कि एक्सट्रीम की ऑप्शन को अनेबल करेंगे, फिर हम इसमें एक गेम प्ले करके देखेंगे कि हमें इसमें स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में गेम प्ले करते समय कोई लैग इशू, कोई हीटिंग इशू या कोई फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए मिलते हैं या नहीं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं इसमें एक कॉन्फ़िग फाइल को ऐड कर लेता हूं। तो गाइस, मैंने इसमें एक कॉन्फ़िग फाइल को ऐड कर लिया है। अभी हम चेक करते हैं कि हमें इसमें ग्राफिक्स में क्या इम्प्रूव देखने के लिए मिल जाता है। उसके लिए सबसे पहले हम जहां जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद हम जहां जाएंगे फिर से ग्राफिक्स में। तो यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि हमें एक्सट्रीम की ऑप्शन इसमें अनेबल देखने के लिए मिल गई। ये एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं कि मैंने इसमें स्मूथ में एक्सट्रीम की ऑप्शन को अनेबल करने के लिए एक कॉन्फ़िग फाइल को ऐड किया है, हमें इसमें बाय डिफ़ॉल्ट केवल अल्ट्रा तक की ऑप्शन देखने के लिए मिलती है। तो चलिए गाइस, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में एक कलरफुल में मैस्टर करके देखते हैं कि हमें इसमें गेमिंग के टाइम क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है, हमें इसमें कोई लैग इशू, कोई हीटिंग इशू या कोई फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए मिलते हैं या नहीं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले एक मैच स्टार्ट करके देख लेते हैं। Thank you.
जान दे जान, मामा जान दे। दो जने हैं आहो। गया गया उन्होंने रिवाइव खान जान दे जान दे जान दे जान दे। धुआं धुआं करता हो गया।